इतने विशाल और अनंत ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? क्या इसे ईश्वर ने बनाया है? क्या ये बिग बैंग की वजह से बना है? हमारे पास बहुत से तत्व हैं। अगर हम इसे तथ्यों के आधार पर कहें तो बिग बैंग की बात सही लगती है, परंतु अगर यह कहा जाए कि इस असीम और अनंत ब्रह्मांड के पीछे एक ऊर्जा या बुद्धि का हाथ है तो इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई और इसके पीछे विज्ञान के तर्क क्या हैं। आप ब्रह्मांड की रचना के पीछे का विज्ञान जानते हैं। दुनिया भर के धर्म अपनी अपनी व्याख्याएं देते रहे हैं, जिन्हें आमतौर पर एक खास मकसद से सुनाया जाता है। जरूरी नहीं है कि उसे सही आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाए, बल्कि उसे एक खास इरादे के साथ बताया जाता है। विज्ञान का कहना है कि एक बिग बैंग यानी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और धुंधली गैसें ठोस होती गई, फिर एक ब्रह्मांड की रचना हुई। यह तथ्य के आधार पर सही हो सकता है और हम इसे सही मानते भी हैं, क्योंकि विज्ञान हमेशा एविडेंस पर विश्वास करता है। अगर हम तथ्य के आधार पर इसे देखें तो तथ्य के आधार पर बिग बैंग की थ्योरी सत्य है। कोई और कहता है कि ईश्वर ने सारा ब्रह्मांड बनाया, जो तथ्य नहीं है मगर सत्य है। जब हम कहते हैं कि ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की, तो पहला सवाल यह आता है कि ईश्वर के बारे में हमारी धारणा क्या है? हमारे दिमाग में ईश्वर का ख्याल कैसे आया? हमने ईश्वर का आविष्कार क्यों किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास ब्रह्मांड के निर्माण के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था। तो आखिर जो सारा ब्रह्मांड हम देख रहे हैं उसे किसने बनाया होगा? इसका सबसे सरल स्पष्टीकरण यह है कि दुनिया से परे कोई चीज है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। आपने और मैंने इस धरती को तो बनाया नहीं, यह बिल्कुल स्पष्ट है। फिर इसे बनाया किसने? क्योंकि हम इंसान हैं तो हमने यह सोच लिया कि वह कोई बहुत बड़ा इंसान होगा। अगर आप कोई जानवर होते तो आपको लगता कि उसके पीछे किसी बहुत बड़े जानवर का हाथ होगा, क्योंकि आप खुद मनुष्य हैं, इसलिए आप ईश्वर को एक मनुष्य के रूप में देखते हैं। ऐसा ही होता है ना हमारे साथ? हम जब भी भगवान की कल्पना करते हैं तो भगवान की कल्पना हम एक मनुष्य रूप में करते हैं। चलिए मान लीजिए अगर आप चींटी होते तो ईश्वर के बारे में आपका विचार एक बड़ी चींटी जैसा होता। तो कहीं ना कहीं यह आधार तो सत्य है कि इस ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की है। तो ईश्वर को हम जो भी रूप देते हैं वह हमारी मानवीय बुद्धि है, मगर मुख्य रूप से हम यह स्वीकार करते हैं कि दुनिया से परे कोई ऐसी चीज है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर वह इस दुनिया से परे चीज है क्या? इसे लोग अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, मगर आज तक कोई समझा नहीं पाया और उसे समझाया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया तो इसका मतलब ब्रह्मांड का अस्तित्व ही खत्म हो गया। ब्रह्मांड मतलब अनंत, जिसे हम कभी समझ ही नहीं सकते। जितना ब्रह्मांड को समझा जाए उतना कम है। जितना हम ब्रह्मांड के नजदीक जाते जाएंगे ब्रह्मांड उतना विशाल होता जाएगा। हमसे परे किसी ऐसे आयाम ने इसे बनाया है, किसी ऐसी ऊर्जा ने इसे बनाया है। तो यह बात तो साबित हो जाती है कि हमसे परे किसी अन्य आयाम ने इसे बनाया है। दूसरी बात यह है कि जब आप पैदा हुए थे तो आप ऐसे नहीं थे। आपके पास एक छोटा सा शरीर था, फिर यह शरीर इतना बड़ा कैसे हुआ? इसका निर्माण अंदर से होता है या बाहर से? इसका वास्तव में जवाब है अंदर से। आप भोजन के रूप में कच्चा माल इसे दे रहे हैं, मगर चाहे आप कुछ भी खाएं वह भोजन इंसान बन जाता है। यानी आप कुछ भी खा रहे हैं वह हमारे शरीर में यूज हो रहा है और वह हमें एक इंसान के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। यानी इसमें एक खास बुद्धि, काबिलियत और ऊर्जा है जो रोटी के एक टुकड़े को इंसान बनाने में सक्षम है। आप चाहे कुछ भी खाएं वह चीज इंसान बन जाता है। तो क्या इस बुद्धि, काबिलियत और ऊर्जा से, जिसे आप ईश्वर कहते हैं, हर चीज की रचना नहीं होती? इस अस्तित्व के आधार को आप ईश्वर कहते हैं। यह सिर्फ एक शब्द है, आप चाहे उसे ईश्वर कहें, शिव कहें, राम कहें, चाहे जो भी कहें, मुख्य रूप से वह इस ब्रह्मांड का आधार है जिसके लिए आप उसके सामने झुकते हैं, क्योंकि वह आपसे परे है
आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं। जिस चीज को आप समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज के सामने आपका नतमस्तक होना स्वाभाविक है। अगर हम इसे एक दूसरे तर्क के हिसाब से समझें कि ब्रह्मांड का जो आधार है वह इंसान में ही है, तो एक सवाल आ जाता है, तो क्या वह ब्रह्मांड अभी भी आपके अंदर सक्रिय है? आपके शरीर के अंदर आपका लीवर जो काम कर रहा है, क्या उसे आप चला रहे हैं या कोई और चीज उसे चला रही है? जिस ऊर्जा ने इसे बनाया वही इसे चला रही है, आप नहीं। तो ब्रह्मांड का जो आधार है वह यही है। अगर किसी पेड़ को बड़ा होना है, फूल को खिलना है और कुछ भी घटित होना है, तो उसमें वही ऊर्जा काम कर रही है, यह उसी की रचना है। अब वह ऊर्जा क्या है? जीवन की हमारी धारणा बहुत मानव केंद्रित है, इसलिए हम सोचते हैं कि ईश्वर एक बड़ा और महान इंसान है। ऐसा सोचने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ईश्वर हर चीज में है। इसलिए जब आप देखते हैं कि वही ऊर्जा हर शरीर में सक्रिय है, तो आप हर किसी को देखकर सिर झुकाते हैं। आप जो ईश्वर के साथ करते हैं वही हर किसी के साथ करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को देखें तो आप उसे पसंद या नापसंद कर सकते हैं। अगर आप किसी के शरीर को देखें तो आप उसके प्रति आकर्षित हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है आप उससे नफरत करने लगें। अगर आप किसी के मन को देखें तो आप उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। इसलिए पहली चीज यह है कि आप स्वीकार करते हैं कि जो ब्रह्मांड का आधार है वह हर इंसान में है, इसलिए आप उसके आगे सर झुकाते हैं। देखिए, ब्रह्मांड का स्रोत हर चीज में सक्रिय है। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, आपको उसके अंदर ब्रह्मांड के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए आप सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के आगे ही सिर नहीं झुकाते, बल्कि आप किसी गाय, कुत्ते, चींटी, चट्टान, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, जिनको भी आप देखते हैं, आप उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का स्रोत हर चीज में सक्रिय है। ब्रह्मांड के पीछे की बुद्धि यहाँ भी मौजूद है। अगर आप सोचना चाहते हैं तो एक तरीका यह है कि ईश्वर वह ऊर्जा है जिसने हर चीज की रचना की है। सोचने का दूसरा तरीका यह है कि ईश्वर वह बुद्धि है जो हर चीज को बनाती है, क्योंकि उसकी बुद्धि अद्भुत है। इतने सारे विज्ञान के बावजूद हम एक पत्ता तक नहीं बना सकते, हम वास्तव में एक परमाणु तक नहीं बना सकते। इसलिए ब्रह्मांड के पीछे की बुद्धि इतनी अद्भुत है कि अगर आप बुद्धि के प्रशंसक हैं तो उसे बुद्धि कहेंगे, अगर आप ऊर्जा के प्रशंसक हैं तो इसे जबरदस्त ऊर्जा कहेंगे, अगर आप आकारों और रूपों के प्रशंसक हैं तो आप इसे पुरुष, स्त्री या और कुछ कहेंगे। तो बात यह है कि आपके बोध से परे एक आयाम बुद्धि और ऊर्जा है जो हर चीज को चला रही है, मगर वही ऊर्जा, बुद्धि और काबिलियत आपके अंदर भी है, इसलिए वह आपके बोध के परे भी नहीं है। अगर आप चाहें तो उसका अनुभव कर सकते हैं, मगर उसे समझा नहीं सकते। व्याख्याएं मूर्खतापूर्ण हैं। व्याख्याएं और दलीलें अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए होती हैं, मगर उसका अनुभव करने में हर इंसान सक्षम है। यानी जो लोग ये दलीलें दे रहे हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण इस प्रकार हुआ है, तो यहाँ आपको यह जान लेना आवश्यक है कि ब्रह्मांड का निर्माण किसी दूसरे आयाम की ऊर्जा से हुआ है, और यह ब्रह्मांड इतना जटिल है जिसे समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो यह कहना सर्वथा सत्य होगा कि इस ब्रह्मांड की रचना ऊर्जा से हुई है। इस ब्रह्मांड की रचना के पीछे एक एनर्जी है। इस ब्रह्मांड की रचना के पीछे एक ऐसा आयाम है जिसे अभी विज्ञान नहीं समझ पाया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।